कल रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सीसीटीवी? कुछ हुआ है सर? जितना पूछ रहा हूँ ना उतना करो। जी सर। सर यहाँ से तो कुछ भी ना दिख रहा, मैं आगे जाके देखती हूँ। तुम यही रहो। चाची संभल के प्लीज, तुम डरो मत। हाँ अरे ये तो वही मैनेजर है जो कल रात मारे को और अविनाश को मिला था। काम तमाम हो जाएगा तेरा बुलबुल। थानेदार साहब ने अगर फुटेज में मारे को अविनाश के साथ देख लिया तो जरूर मारे को पकड़ लेंगे। लगता है चाचू मुझे यहीं से जेल लेके जाएंगे। वॉशरूम का सर वो वहां पे। हे खाटू श्याम जी, आप भी जानते हैं हमने कुछ भी गलत नहीं किया। बचा लीजिए हमें। ये देखने आए हम, एक भी फुटेज क्लियर नहीं है। सीसीटीवी लगाने का फायदा क्या है? सॉरी सर, वो सीसीटीवी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया था लेकिन कोई आया ही नहीं सर। तो तुम्हें जाकर नया लेकर आना चाहिए ना, पब्लिक प्लेस चला रहे हो, अकल नहीं है तुम्हें? ये फोटो ध्यान से देखो, ये लड़का यहाँ आता रहता था। हाँ सर, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता रहता है। कल आया था? आया था सर, एक लड़की के साथ। लड़की के साथ? उसकी शक्ल रंग रूप चाल ढाल कुछ याद है? वो लड़की थोड़ी थोड़ी उनके जैसी थी सर। बुलबुल नहीं मतलब कटकटी शायद। गॉड गॉड प्लीज, उसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। प्लीज प्लीज उसे कुछ याद ना हो। नहीं सर, ध्यान से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ सर याद आया, उसने पीले रंग के कपड़े पहने थे सर। उनके कपड़ों के रंग के अलावा कुछ और याद है? नहीं ना सर, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सर उम्र में कद काठी में वो ज्यादा बड़ी नहीं थी सर। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, जाइए स्टेटमेंट दीजिए, जाइए। जी सर। जी सारे सबूत इकट्ठा करो, शाम तक तो डेथ की भी रिपोर्ट आ जाएगी। सर कॉज ऑफ डेथ की रिपोर्ट तो आ जाएगी, पर कातिल कहाँ से मिलेगा? सर वो इतना शार्प था कि इतनी पैनिक सिचुएशन में भी लैपटॉप और मोबाइल लेकर भाग गया। भागने दो, थक के जहाँ बैठेगा वहीं से उठा लेंगे। और हाँ, उससे वो फुटेज ले लो और आईटी सेल में भेजो, उनको बोलो इनहांस हो गया, अगर ज्यादा डिटेल में कुछ दिखता है, कुछ समझ में आता है तो फिर मुझे बताओ, चेक करके जाओ। ओके सर, गॉट इट। बोल बोल। तुम घर में नहीं हो माँ के सामने, फिर ये घूंघट क्यों? वो थानेदार साहब, ये जगह बहुत अजीब सी है ना, इसीलिए। और यहाँ पे ना वो दारू की बहुत बास आ रही थी। अच्छा हाँ, इसीलिए। वॉशरूम यूज कर लिया? नहीं,
और जब ये जगह इतनी अजीब है तो यहाँ का वॉशरूम भी पता नहीं कैसा होगा। मैं कॉलेज जाके चली जाऊंगी। चलो चलो। कभी कभी ना मुझे तुम पर बहुत शक होता है बुलबुल। और बुलबुल जा जाकर आराम कर लो। ध्रुव, जब ये पायल मैं तुम्हारी मैम के लिए पसंद कर रहा था तो ज्वेलर साहब ने कहा था कि ये पायल बहुत ही रेयर डिजाइन है, ऐसी पायल बहुत लोगों के पास है नहीं, लिमिटेड एडिशन टाइप। तो उसका तो सरासर ये मतलब हुआ कि जिन भी लोगों के पास ये पायल है या ऐसे पीसेस है वो बहुत कम लोगों में है ना। अगर उनकी लिस्ट तैयार की जाए तो हमें हमारा सस्पेक्ट उसी लिस्ट में मिल जाएगा क्योंकि लोग बहुत कम है। ठीक है सर, फोटो खींचो जरा इसकी। जी डन सर, मैं बाहर गाड़ी में वेट करता हूँ आपका। बुलबुल ये लो पायल। हाँ बुलबुल, अपना ख्याल रखो और परेशान मत हो। हाँ पापा। मैं भी। हाँ चाची, चाची जिस हिसाब से चाचू इंटरोगेट कर रहे हैं ना, पक्का वो हमें जल्दी एक्सपोज करने वाले हैं। वो घुंघरू वो मारी पायल गई था। अब क्यों मान जाने के हिसाब किताब चल रहा दोनों के बीच, मारे को तो सुनाई भी ना दे रहा। लेकिन 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 तुम चिंता मत कर, पुलिस से कैसे बचेंगे? It's literally impossible. नहीं, मारी गुड़ की ढेली कहती है कि जब भी आप समय लगाकर कोई चीज सोचो ना तो उसका जवाब खुद चलकर आता है। बस शांत मन से सोचना चाहिए। रुको, मारी को सोचने दो कुछ। क्या जवाब मिल गया हमारे को। वर्णिका देखो, अब जैसा जैसा मैं तुम्हें बोलती जाऊंगी बस तो वैसा वैसा करते जाना, ठीक है? देखो मैं काम से बाहर जा रही हूँ, अगर मासा तुमसे पूछे ना तो बस तुम संभाल लेना। चाची आप कहाँ जा रहे हो? वर्णिका वही तो, तुम्हारे पर छोड़ दो। पढ़ाई में पैदल लेकिन दिमाग से अव्वल। तुम चिंता मत करो, मैं आती हूँ। अच्छा सुनो, वो शांतनु नहीं है हमारी क्लास में, उसका नंबर है तुम्हारे पास? तो जल्दी से मारे को उसका नंबर भेज दो, ठीक है? और ध्यान रखो, मैं आती हूँ। ये खिचड़ी पक रही है इन दोनों के दिमाग में, तुम्हारे को ही पता लगाना पड़ेगा। जी कोई है यहाँ पर? हाँ जी। जी खम्मा गणी। गणी खम्मा। ये मोहन जी से मिलना था, उनसे कुछ काम है, उन्हें बुलवा दीजिए। माफ करना थानेदार साहब, पर मारे को पता है जब भी लड़की आपसे चिपकने की कोशिश करती है तो आप अपना दिमाग ज्यादा नहीं चला पाते। मैं आपकी इसी कमजोरी का आज फायदा उठाऊंगी।